भाई टाइटल और थंबनेल देख के चौंक गए कि भाई ये कौन सा गंजा फूंक के वीडियो बना रहा है। ओ भाई दरअसल बात ऐसा ही है कि मैं इसीलिए इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूं कि पठान से सर के बाहर, मतलब आप बात को पकड़ भी नहीं सकते हो और फेंक भी नहीं सकते हो। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, मैं क्यों ऐसा थंबनेल और ऐसा टाइटल बनाया हूँ। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर मर्जी हो तो गाली जरूर देना, और अगर बुरा लगे तो भी गाली दे के जाना, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम जोर से भौंकते हो। तो उससे पहले, भौंकने से पहले स्वागत तो बनता है तुम्हारा भी। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई हो सब बढ़िया ही होंगे दोस्तों। पठान से एसआर के बाहर, क्यों मैंने ऐसा बोला? दरअसल बात यह है कि जैसे कि आप सबको पता है, और ज्यादातर लोगों को पता नहीं, मैं ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ, बहुत से लोग रहते हैं जो लोग ट्विटर यूज करते हैं उनको पता होगा, ठीक है। कुछ लोग जानबूझ के बात को दबा दिया और कुछ लोग उछाल दिया। दरअसल बात ये 4-5-6 दिन पहले की है। प्राइम वीडियो सिंगापुर नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो आप देख सकते हो, तो मतलब अकाउंट है, तो इसने मतलब अमेजोन से जुड़ा हुआ है, अमेजोन प्राइम से, ठीक है। तो इसने मतलब हर मूवी का मतलब कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं, मूवी रिलेटेड, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, साउथ इंडस्ट्री का हो, जो भी हो। तो इसने मतलब ORF की जो स्पाई यूनिवर्स है उनका मतलब पूरा स्पाई यूनिवर्स में जो जो मूवी है, लाइक टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3, ठीक है। तो ये सब मूवीज के लिस्ट मतलब दिया है कि ORF की स्पाई यूनिवर्स के अंदर आप देख सकते हो। ORF स्पाई यूनिवर्स बिगर देन स्टीम ऑन Amazon प्राइम, मतलब ये सब मतलब पिक्चर, एक एक मूवी का, सभी मूवी का एकदम ऊपर से आप देख सकते हो कि पिक्चर इसने दिया है। ऊपर सलमान भाई एक्टर टाइगर, उसके बाद टाइगर जिंदा है सलमान भाई, उसके बाद ऋतिक रोशन वॉर, उसके बाद सलमान खान पठान, उसके बाद सलमान खान टाइगर 3। अब इस चीज पे गौर कीजिए, जहां पठान लिखा है वहां सलमान खान का पिक्चर लगाया है उसने, ठीक है। तो भाई देखो, ये बात इनकार नहीं कर सकते कि भाई पठान SRK का मूवी है। अब देखो, पठान SRK का मूवी है, और यहाँ पे जो पोस्ट डाला गया, यहाँ पे SRK को ही रखना चाहिए था, ना कि सलमान खान को रखना चाहिए था, अपने भाई को रखना चाहिए था, ठीक है। हमको कोई जरूरत नहीं तुम्हारा ये तस्वीर डालने का, मतलब तुम खराबी किए हो सारे SRK फैंस जो है वो तुमको गाली दे रहे हैं कि तुम सलमान खान की पिक्चर पठान में क्यों लगाए हो। और ये तो, और ऊपर से एक साइड से आप सोचे तो ये सही भी है, क्योंकि भाई जब पठान मूवी रिलीज हुआ था उसके बाद थिएटर से लोग बाहर आके शाहरुख खान क्या एक्शन किया है, शाहरुख खान ये किया है, ये सुनने को नहीं मिला था। बड़े बड़े क्रिटिक्स लाइक विजय, वो क्या नाम है, जय विजय, ठीक है, वो फिल्मी मौज वाला, इन सबको छोड़कर पब्लिक थिएटर से निकल के क्या बोलते, कैसी लगी मूवी, सलमान खान का एंट्री, कैसी लगी मूवी, भाई ने तो कमाल कर दिया, कैसी लगी मूवी, भाई सुपर, सलमान खान का कैमियो, पूरा मतलब 90% पब्लिक रिएक्शन यही था। सबको पता है 90% आज भी यूट्यूब पे है पठान का पब्लिक रिएक्शन, थिएटर के बाहर, चाहे GD गैलेक्सी का ले लो या अपना कोलकाता का ले लो, पठान का पब्लिक रिएक्शन सलमान खान के अलावा मुंह में गुनी चुनी लोगों का दीपिका शाहरुख खान का नाम था, ठीक है। हालांकि इसी गुस्से में कुछ नल्ले सलमान खान के फैंस को क्रेडिट चोर बोलते हैं। भाई क्रेडिट हम लोग चोरी नहीं किए, हमको क्रेडिट दिया गया, ठीक है, हमको क्रेडिट दिया गया, हम लोग नहीं बोले। पठान हम लोग देखने गए जरूर है, लेकिन क्रेडिट लेके नहीं आए। सलमान खान का कैमियो हम लोगों को बेस्ट लगा, हम लोग सलमान खान का फैन थे तो हमको बेस्ट लगेगा, और वो सीन बेस्ट ही था पूरा मूवी में। वो 10 मिनट का सीन जो था, वो ऐसा कैमियो आज के जमाने में बॉलीवुड हिस्ट्री में, बॉलीवुड इतिहास में, स्टोरी में कहीं नहीं हुआ ऐसा कैमियो, ठीक है। मतलब पूरा मतलब थिएटर का मुंह मोड़ दिया, पूरा मतलब मूवी का मतलब लेवल अलग चला गया। उस थिएटर में क्या सीन हुआ था 10 मिनट, वो पब्लिक ने आके बाहर बताया, पब्लिक ने क्रेडिट दिया, ठीक है, पब्लिक ने, समझ रहे हो बात। अब तुम लोग अगर पब्लिक को चुतिया मानते हो तो तुमसे बड़ा चुतिया कोई नहीं है। तो यहाँ पे Amazon प्राइम ने, सॉरी प्राइम वीडियो सिंगापुर ने पोस्ट डालते हुए पठान में टाइगर का सलमान खान का पिक्चर लगा दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद इन लोगों ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया। हाय हाय हाय, क्या गलती हो गया, मतलब गाली खाने के बाद डिलीट कर दिया। बात वो नहीं कि डिलीट कर दिया, बात वो है कि पठान में सलमान खान का पिक्चर क्यों दिया, ठीक है। अब देखो कुछ SRK फैंस आके जैसे देखते हैं, देखो
हाँ, एक कुत्ता ऐसा होता है कि आप पालो तो अच्छे से पलते हैं, वरना ऐसे कुत्ता भी है भाई, खाना भी दो तो भी भौंकेंगे, नहीं दो तो भी भौंकेंगे, कुछ भी करो तो भी भौंकेंगे, ठीक है, और रास्ते में जाओ गाड़ी लेके तो भी भौंकेंगे, और गाड़ी के नीचे आके कुत्ते की मौत मर जाते हैं। ऐसी हाल है होगा इन लोगों का, तो हमको बताने की जरूरत नहीं, ये तो भाई इन लोगों की ये है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बस हमको बोलना था, क्योंकि वो डिलीट कर दे, डिलीट नहीं किया तो करता तो भाई हम नहीं बनाता वीडियो, तो डिलीट कर दिया तो आप लोगों को बोलना तो मेरा फर्ज बनता है ना भाई, तो बस इतना ही बोलना था। बाकी वीडियो कैसी लगी, आपका क्या राय है, सही किया गलत किए, आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सलमान भाई।